चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव पर कब्जे की लड़ाई सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। रूस की मिसाइलों ने खार्कीव का समूल नाश करना शुरू कर दिया है और इस हमलों का शिकार सिर्फ यूक्रेन की फौज नहीं हो रही बल्कि रूस की ओर से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। खार्कीव के सुपरमार्केट पर रूस की बमबारी में 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 65 से अधिक लोग जख्मी भी हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें भयावह हैं। बमों की गूंज इतनी दूर और देर तक सुनाई देती रही कि लोगों के कान सुन्न हो गए। एक के बाद एक गिरे बमों ने तबाही मचा दी। आसमान काले धुएं से पट गया। अफरा तफरी मच गई। लेकिन कितने भागते? अब तक जो यूक्रेन की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। फायर ब्रिगेड फुल मोड में एक्टिव है। हाल के दिनों में रिहायशी इलाकों में किया गया यह रूस का सबसे बड़ा हमला है। हमले की डिटेल देखने से पहले इसकी लोकेशन समझिए और रूस ने इसी जगह हमला क्यों किया इसे भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर खार्कीव का सुपरमार्केट। शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। युद्ध से हलकान देश यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में सुपरमार्केट पहुंचे थे लेकिन तभी आसमान से बम बरसने शुरू हो गए। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट धू धू कर जल उठा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। वैसे भी रूस हमेशा से रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप को नकारता रहा है लेकिन तस्वीरें इसके उलट कहानी बयां कर रही हैं। 48 घंटे में रूस का खार्कीव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 10 मई को खार्कीव के खिलाफ रूस के अभियान में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 165 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस घटना को रूस की नीच हरकत करार दिया है। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में जो कहा आप भी सुनिए। Дорогі українці, українки, зараз були перші доповіді щодо Харкова, удари по місту, по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота день, один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та відвідувачі були. Зараз пожежа на всій території, туди прибули усі необхідні служби, ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція, всі борються. खार्कीव रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही रूस ने खार्कीव पर कब्जा कर लिया था लेकिन जेलेंस्की की फौज ने फाइट बैक किया और रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा। 2 साल पहले हुए युद्ध में यह पुतिन की सबसे बड़ी हार में शामिल था। रूस तभी से खार्कीव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब रूस ने हमले की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी है। 10 मई को रूस की सेना खार्कीव में 1 किलोमीटर तक अंदर घुस गई। इसके बाद जेलेंस्की ने सेना से यूक्रेनी लोगों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। साथ ही जेलेंस्की ने सभी रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया ताकि खार्कीव में सेना की ताकत कम न पड़े। दूसरी ओर 2022 में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्कीव पर जीत हासिल करे। रूस ने खार्कीव के खिलाफ मोर्चा उस वक्त खोला है जब यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार रूस की सेना को रोक पाने में संख्या के लिहाज से कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उन्हें पश्चिमी देशों से उस अनुपात में मदद नहीं मिल रही है जितना कि उन्हें चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूस पर आक्रमण करके कब्जाई जमीन को वापस हासिल करने के जेलेंस्की के पास जो हथियार हैं वो काफी नहीं है। यूक्रेन ने हाल ही में अमेरिका से मिलने वाले हथियारों में हुई देरी का भी हवाला दिया है। अब जेलेंस्की वही बात फिर कह रहे हैं।
Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. ज़ेलेंस्की को नेटो ने जितने हथियार देने का ऐलान किया है, क्या यूक्रेन को उतने हथियारों की सप्लाई हुई? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है कि रूस खारकीव को ही टारगेट क्यों कर रहा है। रूस की ओर से खारकीव को टारगेट बनाने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहली वजह, राजधानी कीव के बाद खारकीव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरी वजह, ये रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर है, ऐसे में खारकीव हमला करना ज्यादा आसान है। तीसरी वजह माना जा रहा है कि खारकीव पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है, इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खारकीव को निशाना बना रहा है। चौथी वजह, खारकीव पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है जहां बड़ी संख्या में रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में रूस का मानना है कि उसकी सेना को खारकीव की जनता का भी साथ मिल रहा है और इस पर जल्दी कब्जा किया जा सकता है। पांचवी वजह है, यूक्रेन की राजधानी कीव बनने के पहले खारकीव ही राजधानी थी। 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खारकीव ही रहा है, लिहाजा इसका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी है। युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, पुतिन के सामने घरेलू फ्रंट पर भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। युद्ध का नतीजा अब भी दूर दूर तक निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की हथियारों की कमी की चिंता फौज के थकने का तनाव बता रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के भीषण हमलों को रोक पाने में पहले की तरह अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम की नीति ये है कि यूक्रेन को पूरी तरह हारने से बचाया जाए, जबकि इसी दौरान रूस के साथ सीधे टकराव से बचा जाए। जाहिर है, जब आप दो नाव की सवारी करते हैं तो आप कमजोर होते हैं। पुतिन इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। करीब 15 महीने पहले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। सुरक्षित सफर का वादा करते हुए कहा गया था कि अब दिल्ली दूर नहीं है। दौसा से दिल्ली का सफर केवल 2 घंटे में पूरा होगा। सफर तो 2 घंटे में पूरा हो रहा है, लेकिन मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे लगातार। 14 माह में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। सड़क हादसों पर कैसे लगे लगाम? कई पहलुओं को ध्यान में रखकर करना होगा काम। काली सड़कें उज्जवल विकास का प्रतीक है, लेकिन कई बार इंसान अपनी लापरवाही से समृद्धि की सड़क को, खुशहाली के मार्ग को लहूलुहान कर देता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 1 जून 1 मिनट 5 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। एक्सप्रेसवे पर जा रही एक कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं कार में सवार तीसरा शख्स घायल हो गया। ये हाईवे पे हुआ है और ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट। दूसरी बात, यहाँ पे एम्बुलेंस आई है, काफ़ी देर में एम्बुलेंस आई। उसके बाद यहाँ पे जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्ट्रेचर भी टाइमली नहीं पहुँचा। 15-20 मिनट तो स्ट्रेचर आने में लगा, फिर उनको लाए अंदर। उन्होंने बोला कि फादर की डेथ हो गई है। मदर को देखा तो अब मदर के लिए भी कोई भी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में एक बस दूसरे लेन में चली गई और 2 से 3 पलटी खा गई। इस दौरान हाईवे पर धूल का गुबार बन गया। अब तीसरी तस्वीर देखिए। 51 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में टायर फटने से एक चलती कार बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। तमाम हादसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए हैं और बदस्तूर हो रहे हैं। जी हाँ,
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में 20 घंटे में तीसरा हादसा हुआ। शनिवार सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच दो कार एक्सीडेंट में दंपति की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे। रविवार अल सुबह 3:30 बजे के करीब कोलवा थाना इलाके के धनावड़ रेस्ट एरिया के पास जयपुर की तरफ आ रहा पार्सल ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे कैंट्रा यानी मिनी ट्रक से टकरा गया। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हादसों का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकना एक चुनौती वाला काम हो चुका है। बीते 14 महीनों में इस एक्सप्रेसवे पर मौतों का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। जो मुख्य कारण इसमें ऐसे एक्सीडेंट्स के पीछे वो आ रहे हैं, पहला तो झपकी आ जाना, नींद की शिकायत हो जाना, और इसके अलावा जो छोटे वाहन हैं, फोर व्हीलर हैं पर छोटे वाहन हैं, वो जब ओवर स्पीडिंग करते हैं उस दौरान कहीं ना कहीं वो अनियंत्रित होके या तो किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और वाहन में जाकर उनकी टक्कर होने के कारण ये हादसे हो रहे हैं। बेशक नींद की झपकी और बेकाबू रफ्तार हादसे की वजह बन रही है, लेकिन कुछ हादसे NHAI की लापरवाही से भी सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़क हल्की ऊंची नीची होती है जिससे तेज स्पीड वाली गाड़ी बेकाबू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से हुए हादसे के बाद संबंधित थाना की पुलिस को भी मौके पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केवल भांडा रेट से ही उतराव चढ़ाव है। ऐसे में बांदीकुई, कोलवा, सदर, पापड़दा, नांगल, राजावतान थाना क्षेत्र की पुलिस को इसी इंटरचेंज से जाना पड़ता है जिसमें काफी समय लग जाता है, जिससे घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए दौसा की SP रंजीता शर्मा ने अभिनव पहल करते हुए एक्सप्रेसवे पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया है। हमने रेस्ट एरिया में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर दिया है दोनों ही तरफ, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें एक अच्छा वाहन उपलब्ध करवा के उसको एक बेहतर निगरानी जो कहते हैं एक्सप्रेसवे पे हम कर पाएँ और निरंतर पेट्रोलिंग होती रहे, और यदि कोई हादसा वहाँ पर होता है तो उसमें उपचार के लिए भी जो अटेंडेंस होती है वो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आपको बताते चले कि 373 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों को दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट करता है। कि पेट्रोलिंग के कारण जो घायल होते हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भिजवाया जा सकेगा, साथ ही जो यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दौसा की SP रंजीता शर्मा की पहल पर धनावड़ रेस्ट एरिया में पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, जहां स्थायी रूप से पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, और यह जो सहायता केंद्र है ये कोलवा थाने के अधीन होगा। आशीष शर्मा, News 18, दौसा। नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी कर रहे 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों शूटर लॉरेंस विश्नोई गैंग के हैं, और यही नहीं, प्लानिंग के तहत लॉरेंस विश्नोई के शूटरों ने सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़ और गुजरात में जाकर भी रेकी की थी। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान को जान से मारने की साजिश नाकाम। नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को किया गिरफ्तार। सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस के पास गिरफ्तारी। सलमान खान को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है।
इन चारों की गिरफ्तारी शुक्रवार रात में सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास उस वक्त की गई जब वो सलमान पर हमले की फिराक में थे और मौके का मुआयना कर रहे थे। चारों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। इन चारों शूटरों के नाम धनंजय सिंह, तपेश सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वस्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करने से पहले इन चारों शूटरों ने सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमला करने का प्लान बनाया था और इसके लिए अगस्त 2023 से लॉरेंस का शूटर अजय कश्यप और उसके कई साथी पनवेल इलाके में रहने लगे थे। खबर ये भी है कि सलमान के फार्म हाउस और उनकी गाड़ी पर हमले को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग के अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे हथियार डीलर डोगर से वीडियो कॉल पर AK-47, AK-92 और M-16 जैसे घातक हथियार भी देखे। बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि हथियारों की रकम का आधा हिस्सा एडवांस में और आधी रकम डिलीवरी के बाद दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे डीलर ने कहा कि वो जहां चाहें उन्हें हथियार वो डिलीवर कर सकता है। जिस पर अजय कश्यप ने कहा था कि उसके शूटर नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में तैयार बैठे हैं और लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा का आदेश मिलते ही सलमान खान पर हमला कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान के तहत पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने के बाद सभी शूटरों को भागकर कन्याकुमारी पहुंचना था और वहां से शूटरों को अनमोल बिश्नोई श्रीलंका भेजने वाला था और श्रीलंका पहुंचने के बाद जिन शूटरों को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी थी उन्हें किसी और देश में भेजने की योजना थी। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि पुलिस के FIR में गोल्डी भरा, रोहित गोदारा समेत 18 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल हैं। तो फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की गाड़ी और फार्म हाउस पर हमले का प्लान बनाया था। हमले में AK-47 और AK-92 और M-16 जैसे बड़े हथियारों के इस्तेमाल का भी प्लान था। ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। सलमान के फार्म हाउस और कार पर था हमले का प्लान। पाकिस्तान के खतरनाक हथियारों से थी हमले की योजना। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।